In this video, we will see about doctrine of flips. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, द ट्रेडिशन ऑफ एडेप्टेशन इज वेरी एंशियंट इन इंडिया, स्पेशली अमंग हिंदूज. जो गोद लेने की विधि है वो बहुत ही पुरानी है भारतीय सभ्यता में, और स्पेशली ये बहुत ही पुरानी परंपरा है हिंदूज के अंदर. तो गोद लेने की विधि क्या है? तो जो कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर उनका खुद का बच्चा नहीं हो पाता है तो वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गोद लेते हैं किसी को. ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स जो है वो उसी पॉलिसी के तहत था. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब वाज पॉलिसी ऑफ डलहौजी, द देन गवर्नर जनरल, टू एनेक्स द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स इन 1848. जो लॉर्ड डलहौजी था वो गवर्नर जनरल था 1848 के टाइम से, एंड उसने ये पॉलिसी लाया था. एंड इस पॉलिसी के तहत था क्या? तो इस पॉलिसी के तहत ये बात कही गई थी कि अगर कोई राजा रानी हैं एंड उनका खुद का अगर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उनके मरने के बाद, यानी कि वो राजा रानी अगर मर गए तो उसके बाद उनका कोई वंशज जो है नहीं बचा, उनका वंशज यानी कि उनका खुद का बेटा या खुद की बेटी अगर नहीं बचा तो उनकी जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगी. तो ये किस लिए किया था लॉर्ड डलहौजी ने? तो ये इसलिए किया था ताकि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं तो उनके जो राजा रानी हैं उनके अगर बच्चे नहीं हैं तो राजा रानी मर जाएंगे तो वो जो एरिया है, वो जो टेरिटरी है, वो टोटली ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाएगी. तो ये एक पॉलिसी था किस लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में ले सके ब्रिटिशर्स. ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द डॉक्ट्रिन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इनकेस ए रूलर ऑफ स्टेट डाइज चाइल्डलेस, द राइट ऑफ रूलिंग ओवर द स्टेट लैप्स. लैप्स यानी नो लॉन्गर वैलिड. यानी जैसा मैंने बोला कि कोई राजा रानी है, उनके खुद के कोई बच्चे नहीं हुए एंड वो राजा रानी मर गए तो उसके उस टेरिटरी के ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता, वो टेरिटरी डायरेक्टली चली जाएगी किसके अंदर? तो ब्रिटिशर्स के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट, बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब, डलहौजी एनेक्स्ड द स्टेट ऑफ सतारा. ठीक है, सतारा जो महाराष्ट्र में है उसको कंट्रोल में लिया गया 1848 में. फिर नेक्स्ट स्टेट जो था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत अपने कंट्रोल में ब्रिटिशर्स ने लिया तो वो था जयपुर, देन संबलपुर, देन बहट, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर. जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा फेमस है झांसी. ओके, झांसी की रानी जो है इसके वजह से ही कहीं ना कहीं रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहुत ही बढ़ चढ़ के उसने भाग लिया था, क्योंकि वो अपने दत्तक पुत्र यानी कि एडेप्टेड सन के हक के लिए लड़ना चाह रही थी. ओके, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब किसने स्टार्ट किया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स जो है वो स्टार्ट किया लॉर्ड डलहौजी ने, और ये स्टार्टिंग टाइम कब था? 1848 में. और इसके अंदर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बन जाता है कि कौन सा पहला स्टेट था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लिया था? तो वो था सतारा. ओके, फिर लास्ट में कौन सा स्टेट कंट्रोल में गया था ब्रिटिशर्स के? तो वो था नागपुर. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड कभी कभी ये सेकेंड स्टेट भी पूछ लेते हैं. तो सेकेंड जो एरिया था, सेकेंड टेरिटरी जो थी वो जयपुर का एरिया था. सो यू कैन सी कि कितने सारे एरिया उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे ब्रिटिशर्स ने एक छोटी सी पॉलिसी ला के. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा गंगाधर राव, हिज वीडो रानी लक्ष्मीबाई फॉट फॉर द राइट ऑफ हर अडॉप्टेड सन. जो राजा गंगाधर राव जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे. तो जब राजा गंगाधर राव की डेथ हो गई तो उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई बनी. ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने कंट्रोल लिया अपने टेरिटरी का, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स ये रूल जब आया था तो उसके तहत में हो क्या रहा था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था, बट वो जो बेटा था जिसको गोद लिया था वो आगे रूल कर ही नहीं सकता था. एंड इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
लड़ाई में उतरी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने दत्तक पुत्र के राइट्स के लिए लड़ रही थी कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन शी फेल्ड टू गेट हर राइट डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट सी रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने बच्चे को उसका हक दिलवा सके। उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए ब्रिटिशर्स से बात करने की, सुलह करने की, बट ब्रिटिशर्स जो थे वो नहीं मान रहे थे। एंड जब वो नहीं माने तो अल्टीमेटली जो गुस्सा होता है, गुस्से को दबाते रहो तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी किसी के अगेंस्ट जो है बड़ा स्टेप ले लेता है। तो उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने भी लिया। एंड 1857 का जो वार हुआ, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था ब्रिटिशर्स को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्पेशली इन द स्टेट विच बिकेम विक्टिम। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण बन जाता है 1857 के रिवॉल्ट के लिए, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो थे इंडियंस जो प्रिंसली स्टेट थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब जो लाया गया था वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एंड इस 1857 के रिवॉल्ट में हम देखेंगे कि मेनली वही टेरिटरी के जो राजा रानी थे या फिर उनके जो वंशज थे जो एडेप्टेड थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स की वजह से सफ़र कर रहे थे, उन लोगों ने ही ब्रिटिशर्स का ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ओके, बट When Crown's rule was established after 1857, the adaptation was legalized. तो यहाँ पे एक important question ये भी बन जाता है कि adaptation को वापस कब legalize कर दिया था, कब legal कर दिया था British government ने। तो वो किया था 1857 के revolt के ख़त्म होने के बाद। तो 1857 का जब revolt ख़त्म हुआ था तब आया था Government of India Act 1858। तो उस act के तहत बोल दिया गया कि एडेप्टेशन जो है लीगल है एंड जो भी बच्चा एडप्ट होके आएगा उसको वो पूरा फ्रीडम मिलेगा कि वो रूल कर सके एंड वो राजा बन सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लेब। तो आगे हम देखेंगे अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड उसके अंदर पूरा क्या क्या कारण थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि जो मेन कारण था वो सिर्फ कार्ट्रेज को लेके था, ग्रीस वाला कार्ट्रेज। बट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरा डिटेल कि किन किन कारणों की वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 इतना भयानक हुआ था एंड ब्रिटिशर्स पूरे हिल चुके थे। सो आज के वीडियो में इतना ही। चल देन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।